এআইসিসির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আর সমাজবাদী পার্টির অধ্যক্ষ অখিলেশ সিং যাদবর যৌথ সংবাদমেল নির্বাচন সন্দর্ভত সংবাদমেল সম্বোধন করে দুইগী নেতায় বিজেপি দল তথা সরকারক চোকা সমালোচনা খাড়গে আর অখিলেশর বিজেপির চারিশ পারর দাবিক নস্যাত করেছে মল্লিকার্জুন খাড়গে লোকসভা নির্বাচনত এবার বিজেপিয়ে 140 আসনও লাভ নকরে বলে দাবি করেছে এআইসিসির সভাপতিগিয়ে বিরোধী ঐক্যর প্রতি জনতার আদর বাড়িছে বলেও মন্তব্য অখিলেশ সিং যাদবর বিজেপির নেতিবাচক রাজনীতির অন্ত পড়ব বলেও উল্লেখ করে সমাজবাদী পার্টির নেতাগিয়ে বিজেপির বুথ কমিটিক লোড কমিটি আখ্যা মল্লিকার্জুন খাড়গের কৃষকর সপন চারিজনত সাকার হব বলেও দাবি অখিলেশ সিং যাদবর हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोले नहीं। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले, और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए